नमस्कार, वीकेबी न्यूज के मॉर्निंग टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तीन सदस्यीय पद्धति से ही होगा महानगर पालिका चुनाव, 17 मई को अंतिम प्रभाव प्रारूप होगा प्रकाशित। ऑफलाइन होंगी विश्वविद्यालय की प्रैक्टिकल परीक्षाएं, विश्वविद्यालय प्रैक्टिकल परीक्षा की तिथि घोषित। और कोविड रोधी टीकाकरण और शिशुओं के 100% टीकाकरण के लिए माइक्रो प्लानिंग, टास्क फोर्स की बैठक में हुई चर्चा। अब खबरें विस्तार से। राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार को राज्य के महानगर पालिका चुनाव के संदर्भ में अहम परिपत्र जारी किया। इसके तहत 17 मई को अंतिम प्रभाग रचना का प्रारूप शासन के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसे में साफ हो गया है कि आगामी मनपा चुनाव 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति से ही होने वाले हैं। इसी के साथ ही वार्ड या 2 सदस्यीय प्रभाग रचना को लेकर हो रही चर्चाओं पर भी विराम लग गया। नागपुर सहित 14 महानगर पालिका में चुनावी बिगुल जून अंत में बजने के आसार बन रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर सप्ताह में घोषित करने के आदेश दिए थे। उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से संबंधित परिपत्र जारी किया गया। गौरतलब है कि मनपा की तरफ से प्रभाग प्रारूप को लेकर जारी प्रक्रिया के बीच 11 मार्च 2022 को राज्य सरकार ने प्रभाग रचना को लेकर अधिनियम में सुधार करने वाला बिल लाया था। सुधार उसके बाद संबंधित प्रभाग प्रारूप को रद्द किए जाने की घोषणा कर दी थी। इसकी वजह से चुनावी प्रक्रिया थम गई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने 4 मई को आदेश देते हुए चुनाव आयोग के 10 मार्च तक हुई प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को कहा। उसके बाद चुनाव आयोग ने परिपत्र जारी किया। 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति से चुनाव होने की वजह से इस बार 52 प्रभाग होंगे। पिछली बार की तुलना में इस बार 5 वार्ड बढ़ाकर 156 कर दिया गया है। आर्थिक बदहाली झेल रहे श्रीलंका में भीषण हिंसा भड़क गई है। सत्ता समर्थकों, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच अलग अलग स्थानों पर हुई झड़पों में अब तक सत्ता पक्ष के सांसद समेत 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 250 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बीते दिन इस्तीफा दे चुके अब पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने परिवार के साथ त्रिंकोमाली नौसैनिक अड्डे में शरण ले ली है। प्रदर्शनकारियों ने कल सोमवार को न सिर्फ उनके आधिकारिक आवास टेंपल ट्रीज पर हमला किया, बल्कि अंदर घुसने की कोशिश में जमकर तोड़फोड़ की। वहीं राजपक्षे परिवार के हम्बनटोटा स्थित पैतृक आवास को जलाकर राख कर दिया गया। अब तक 14 पूर्व मंत्रियों, 18 सांसदों और राजपक्षे परिवार के प्रति वफादार नेताओं के घरों पर हमला किया गया और इनमें से कई के घरों को जला दिया गया है। राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग ने ग्रीष्मकालीन परीक्षा 2022 के तहत ली जाने वाली प्रैक्टिकल परीक्षाओं की नई तिथियों की घोषणा कर दी। यह भी स्पष्ट कर दिया कि परीक्षा ऑफलाइन ही होगी। विश्वविद्यालय परीक्षा व मूल्यमापन मंडल के निदेशक डॉक्टर प्रफुल्ल साबले ने इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया है। इसके मुताबिक प्रैक्टिकल परीक्षाएं 13 मई से 11 जून के बीच ली जाएगी। पहले चरण में स्नातक पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष व सम सेमिस्टर की परीक्षाएं कॉलेज स्तर पर 13 से 31 मई के बीच ली जाएगी। दूसरे चरण में अंतिम वर्ष व सम सेमिस्टर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 23 से 31 मई के बीच ली जाएगी। इसी दरमियान 3 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के 4th सेमिस्टर की भी प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी। तीसरे व अंतिम चरण के तहत पूर्व अंतिम वर्ष व सम सेमिस्टर स्नातक पाठ्यक्रम की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 30 मई से 11 जून के बीच ली जाएगी। प्रैक्टिकल परीक्षाओं की पूरी जिम्मेदारी कॉलेजों पर दी गई है। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने हनुमान चालीसा का पठन करने के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मनसे के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई है। इससे राज्य का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इस पार्श्वभूमि के खिलाफ राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि जिन मनसे नेताओं पर अपराध दर्ज हुआ है उन्हें आत्मसमर्पण करना चाहिए। गृह मंत्री वलसे पाटिल मंगलवार को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नागपुर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। राज ठाकरे ने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे की ते संदीप देशपांडे आणि इतर मनसे नेत्यांना पोलीस अगदी दरोडेखोरांसारखं शोधत आहे, एकदम मागे लागून गेलंय पोलीस त्यांचे। असं आहे की आरोपीला शोधायचं काम हे पोलिसांचं असतं, पोलीस आपलं काम करतायत। खरं म्हटलं तर ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झालेले आहे त्यांनी ताबडतोब पोलिसांना सरेंडर झालं पाहिजे किंवा पोलिसांच्या समोर उपस्थित झालं पाहिजे। राज ठाकरे म्हणतात ते दहशतवादी नाही, दहशतवाद्यांसारखं त्यांचा शोध घेतला जात आहे, असं कसा घ्यायला पाहिजे, त्यांनी मार्गदर्शन करावं आम्हाला। कारवाई केलेली आहे, त्यांनी जे आंदोलन पुकारलं त्याच्या विरोधात प्रतिबंधात्मक कारवाई झाली असं आहे की पोलीस आपलं काम करत असतात, कायद्याप्रमाणे काम करत असतात आणि त्याच्यामध्ये काही चुकीचं नाही। पोलीस आपल्या पद्धतीनंच काम करणार, त्याच्यामध्ये बाकी इतकं कोणी नाराज व्हायचं काही कारण। काल नागपूर रेल्वे स्टेशनवर स्फोटकं काही आढळलेली, काय आतापर्यंत तपासामध्ये पुढे आलं? मला असं वाटतं की काल काही स्फोटकं आढळलेली, माझी रात्री चर्चा झाली माननीय पोलीस आयुक्तांच्या बरोबर, आता त्याचा जो तपास आहे तो पुढे ते करत आहेत, अजूनपर्यंत त्याची स्पष्टता आलेली नाही। खलिस्तानीचं तर नांदेड कनेक्शन येत आहे, या संदर्भात काही सूचना पोलिसांना किंवा नांदेड पोलिसांना? या संदर्भात जास्त बोलणं उचित नाही, परंतु पोलीस पूर्णपणाने ट्रॅक ठेवून आहेत आणि जे आरोपी सापडलेले आहेत त्यांची कस्टडी महाराष्ट्राच्या पोलिसांकडून मागितली आहे। शहर में जारी कोविड रोधी टीकाकरण और शिशुओं की टीकाकरण मुहिम को शत प्रतिशत करने के ध्येय से माइक्रो प्लानिंग की जा रही है। इसके लिए मनपा के अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी ने मंगलवार को टास्क फोर्स की बैठक ली। सरकारी, निजी सहित महानगर पालिका अस्पतालों में जारी टीकाकरण मुहिम की समीक्षा इस दौरान की गई। मुख्यालय में आयोजित बैठक के दौरान चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र बहिरवार, अतिरिक्त चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय जोशी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉक्टर मोहम्मद साजिद, डॉक्टर गोवर्धन नवखरे, डॉक्टर सरला लाड, डॉक्टर भावना सोनकुसले, डॉक्टर महेश जागुलवार आदि मौजूद थे। मनपा के 22 साल पुराने लाखों रुपए के खेल साहित्य खरीदी व वितरण घोटाला मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया गया। अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी NG देशपांडे की अदालत ने पुख्ता सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। सरकारी पक्ष एक भी आरोपी के खिलाफ आरोप साबित नहीं कर पाया।
इस घोटाले में विधायक कृष्णा खोपड़े, विधायक विकास कुंभारे, पूर्व महापौर कल्पना पांडे, अर्चना डेहनकर, दयाशंकर तिवारी, तत्कालीन अतिरिक्त उपायुक्त साहेबराव राउत, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आशा बनारसी, क्रीड़ा निरीक्षक हमीरराव मोहिते समेत 108 आरोपियों का समावेश था। मामले के लंबित रहते हुए तत्कालीन शिक्षणाधिकारी विनायक चौधरी, तत्कालीन नगर सेवक जगदीश ग्वालवंशी, किशोर गजभिये, सरदारी लाल सोनी, देवा उसरे, राजू बहादुरे, सुलभा दाणी की मौत हो गई, जिससे केवल जीवित आरोपियों को लेकर यह फैसला सुनाया गया। घोटाला वर्ष 2000 में सामने आया था। इसके बाद पूरे राज्य में खलबली मच गई थी। उसी समय टी चंद्रशेखर मनपा आयुक्त थे। मनपा में भाजपा की व राज्य में कांग्रेस राकांपा की सरकार थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने इस घोटाले की जांच करने के लिए राजस्व व वन विभाग के प्रधान सचिव नंदलाल की नियुक्ति की थी। नंदलाल ने 2,38,39,000 के 177 रुपए के क्रीड़ा साहित्य खरीदी व वितरण व्यवहार में भ्रष्टाचार होने की रिपोर्ट दी थी। 6 जनवरी 2001 को सदर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट के आधार पर शिकायत दर्ज की गई। मंगलवार की देर रात करीब 11:30 बजे खापरखेड़ा से शहर में आने वाली बिजली लाइन में आई तकनीकी खराबी से बेसा का 132 kV स्टेशन फेल हुआ। इस वजह से आधा शहर अंधेरे में डूब गया। इससे दक्षिण मध्य का पूरा इलाका व पूर्व नागपुर का बड़ा हिस्सा शामिल था। जानकारी के अनुसार रात 11 बजे से ही शहर के अलग अलग इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप होने लगी। हालांकि रात 12 बजे के दौरान अलग अलग हिस्सों में आपूर्ति का काम आरंभ हुआ। महावितरण के सूत्रों का कहना है कि एक एक कर सभी स्टेशन शुरू किए जाएंगे। महावितरण और महापारेषण के अधिकारी देर रात तक काम में लगे रहे। उधर रात को बिजली कंपनी की ओर से यह बताया गया कि गर्मी की वजह से अचानक मांग बढ़ गई, संभवतः इसी वजह से खराबी आई है। हालांकि यह प्राथमिक अनुमान है। वीकेबी न्यूज के मॉर्निंग टाइम न्यूज में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।